वो एक रिवोल्यूशनरी भी होता तो वहाँ से पॉलिटिक्स में होता है बालक। <laughs> और पचास वाला युवा <laughs> देखिए अब ये तो ऐसा है कि हर एक की सुविधा के अनुसार हो जाता है जैसे जैसे होता है तो अब मैं उसके बारे में तो नहीं कहूँगा लेकिन मैं अपने आप को तो नटवट नटकट बालक ही कहूँगा उस समय उस समय से लेकर के गढ़ना और इसमें मेरे को ही नहीं किया उन्होंने ऐसे बहुत से लोग हैं जो जो पार्टी के लिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे उनके साथ उनका व्यक्तिगत संबंध व्यक्तिगत बातचीत उनके परिवार से लेकर के उनकी सारे लोगों के उनके दैनंदिन जीवन में घटने वाली घटनाएं यहां से लेकर के पर्सनल सजेशन से लेकर के सब चीजों में उनका बहुत बड़ा योग अब आते हैं सर उत्तर प्रदेश पर गन्ना में फंस गए अब जिन्ना का सहारा है कोई गन्ना में नहीं फंसे गन्ना में गन, गन्ना में हमारे विरोधी फंसे हैं ये योगी जी की सरकार है जिसने एक लाख चालीस हजार करोड़ गन्ना का भुगतान किया है दिस इज ऑन रिकॉर्ड और हमने समाजवादी पार्टी अखिलेश का भी उधारा दिया है उधार दिया है दस हजार करोड़ रुपए उसका भी दिया है और अखिलेश ने नाइन्टी फाइव थाउजेंड करोड़ दिया था हमने एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपए भुगतान दिया है ये दोनों बीएसपी एसपी दोनों की सरकारें मिला करके इससे ज़्यादा बनता है जो योगी जी ने दिया है इनके टाइम में बीएसपी के टाइम में 21 चीनी चीनी मिलें बंद हो गई इनके टाइम में 11 चीनी मिलें बंद हो गई अखिलेश के ज़माने में हमारे टाइम में चीनी मिलें खुली और उनको फिर से रिवाइटलाइज किया गया इतना ही नहीं गन्ने की खेती वेस्टर्न यूपी में बढ़ी है जो जो गन्ने की खेती करते हैं उनकी संख्या बढ़ी है पेराई सबसे ज़्यादा गन्ने की उत्तर प्रदेश में हो रही है हमारे इथेनॉल का भी सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो इसलिए गन्ने का जहाँ तक सवाल है हम लोग पूरी ताकत के साथ जो काम योगी जी ने किया है उसको किसान के सामने रखने वाले हैं और किसान उस बात से कन्विंस भी है कि सबसे ज़्यादा भुगतान हमने किया जहां तक आपने जिन्ना की बात कही है अखिलेश जी इस विषय को लेकर के आए हैं निश्चित रूप से यह उनकी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है और उनके साथ साथ वह वोट की राजनीति के लिए क्या कर सकते हैं और देश की